पानी दवाई भोजन वजीफा कपड़ा जूता मोजा टाई बैग कलम फ्री। जरूरत पड़ेगी बच्चों को तो साइकिल भी फ्री देने का कानून हम लोग पास कर देंगे। योगी बाबा का ये बेचारा पहला ही ये भाषण मामला जाके हुआ मुजफ्फरनगर में। आए नौजवानों तेरी गर्मी निकाल कर अरे योगी बाबा हम कह रहे हैं आए नौजवानों लपट करके माननीय अखिलेश यादव जी को सीएम बनाओ हम तुम्हारे लिए भर्ती निकाल देंगे। बाबा के सरकार में 16 बार लीकेज भइल बा इनका लीकेज बंद करे के है कि नहीं। अब लिखित परीक्षा नहीं होगी रिटेन टेस्ट नहीं पुलिस में पीएससी में मलिट्टी में भर्ती होगी। सीना फुला के नापला चाहे पचका का सही रही कि ना सही और क्या हो दौड़ करा दा जे आगे लड़का लड़की निकल जाए वही तो भर्ती सही रही कि ना सही सही रही। अभी बतावा चोर पकड़े के होई तब बैठ के पकड़ी कि दौड़ा के पकड़ी दौड़ में जे पास वही तो भर्ती पुलिस में हो वही ना और के भर्ती हो चाहता। अरे अपन कुछ लोग उमरियो देख ली है हमरे दादो उठावत हो जोश में जो हूँ चल घबरा मत हम 5 साल छूटो दे दी 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला हो चाहे 68,500 का हो चाहे 12,460 का हो चाहे 72,825 का मामला हो चुनावी घोषणा पत्र में BA TET के साथियों आपने मुझे ज्ञापन दिया चुनावी घोषणा पत्र में हमने शामिल करा दिया और दूध का दूध पानी का पानी सरकार बना के कराने जा रहा हूँ देख लेना। हम तो देखा बहुत साफ साफ हमारे पुलिस विभाग का लोग गाजीपुर वाले जाना गाजियाबाद ड्यूटी कर आप अपने कमिश्नरी में ड्यूटी करेंगे। हे बदे हरी दूर रह सर हम लोग के घींच के लिए आवे के हम सही रही कि ना सही रही। बादल सीमा खत्म 1,000 वर्दी भत्ता 1,000 भोजन भत्ता 250 रिचार्ज कूपन हर महीना दे सही रही कि ना सही रही। और हफ्ता में एक दिन छुट्टी और तनख्वाह ड्यूटी 8 घंटा पुलिस काम करा तो भर्ती हुई ये नौजवान को उन्हें दिन रात बजे घूमा था हर प्रकार चाहते सही 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 बतावा देखा हेलीकॉप्टर से फोन बार बार आवत हमरे भैया संजय जी हमने लेट हो गए लगी करीब 1/2 घंटा आया हेलीकॉप्टर तई मिलल पर तई मजा लेने पर दया के बदे कि रोज तक गड़िया से ही सड़े किए बचले और जब हेलीकॉप्टर पहुंचे थे कहा जाने तुआ हमारे एक दादा बुजुर्ग थे उन्होंने कहा कि नेता लड़ाई तुम्हारी बहुत सही है तुम सरकार बनाने जा रहे हो लेकिन हमको दर्द है हमके ऊ के थुआ का तो उन्होंने चौपाई सुनाया बड़ी मार्मिक रावण रती बिरत रघुवीरा देख विभीषण भय भय भीता रावण रथ पे था रामचंद्र जी पैदल थे उस समय विभीषण को तकलीफ हुई तो हमारे दादा ने कहा कि तुम सड़क से चलोगे वो हेलीकॉप्टर से कैसे मुकाबला करोगे। अरे हम कह रुक जा दादा जा थई अखिलेश से चाटी लग के कह दे दे संजल बा जमे दिन से लेले भाई वही दिन से फोन कहले कहा दादा अरे कहा एकदम चपले हुए कुल बटूल गई है ना संजय है बात कहीं हेलीकॉप्टर का कहीं मजा ले लेंगे जहाँ हाँ ताकि टाइम लेकर हमारे पल्ले आप लोग इतना नारा लगा दे कि चेमिया जीत अब क्या करी हम तो ये बदे साथी हमारी बात हमारी विचारधारा घर घर पहुंच चुकी है। कोई ऐसा घर नहीं है जिसके घर में ओम प्रकाश राजभर न हो जिसके घर में टेलीविजन वहाँ टेलीविजन में ना हो अखबार में लोग खोलते हैं कि ओम प्रकाश का क्या बयान आया और मैं आज आपसे कह के जा रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी को बनारस के गंगा जी में बोर बोर करके मारूंगा तब देखना क्या ओम प्रकाश का
हम बस चौदन का बोल बनारस में बनाऊंगे। चला आव जा वही गंगा जी में दवाई करे आओ हम। तो साथी बहुत कुछ नहीं, भारतीय समाज पार्टी के लोगों मैं आपसे एक अपील करना चाहता हूँ। बनारस में मैं अरविंद राजभर और एक वकील को लेकर नॉमिनेशन कराने जा रहा हूँ। और तीन आदमी की एंट्री थी और योगी बाबा ने अपने सैकड़ों गुंडे नॉमिनेशन कक्ष के सामने भेज रखा था। जब मैं एंट्री किया, एंट्री करने जब मैं गया तो मुझे गाली गुप्ता देने लगे, गोली मारने की धमकी देने लगे। मैंने सोचा कि आए कैसे यहाँ। फिर मैं अंदर चला गया, रिटर्निंग अफसर से कहा कि बाहर क्या हो रहा है। वो कहे हम क्या करें, डीएम मालिक है। तो डीएम और कमिश्नर के बनारस इशारे पर हमने नॉमिनेशन तो करा लिया। नॉमिनेशन करा के जब मैं निकला तो भारतीय समाज पार्टी के लोगों वहाँ योगी महाराज के गुंडे हमारा कॉलर पकड़ के हमको मारने लगे। मैं अगर उस समय बारीकी नहीं किया होता तो सैकड़े लाशें के बनारस की धरती पहुंच गई होती, लेकिन मैंने बर्दाश्त किया और वहां से निकल करके सीधे लखनऊ गया। लखनऊ जाके प्रेस वार्ता किया और कहा कि योगी मेरी हत्या कराना चाहता है। अरे भारतीय समाज पार्टी के चाहने वाले लोगों, मेरी योगी हत्या करा दे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा आंदोलन रुकना नहीं चाहिए। साथी इसको दिन रात आगे बढ़ाते रहना। योगी जी को मंत्र है, घबराओ नहीं योगी बाबा। दस मार्च को गाना बजेगा, दस मार्च को गाना बजेगा योगी बाबा। अमिताभ बच्चन वाला इतना बजाई, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या, यही गाना 10 मार्च को बजाऊंगा। और साथी बलिया खाता नहीं खुलेगा, महीने का मऊ खुलेगा नहीं, आजमगढ़ खुलेगा नहीं, अम्बेडकर नगर खुलेगा नहीं, गाजीपुर खाता खुलेगा नहीं। बनारस में आज के तारीख में 6 सीटें हम जीत रहे हैं, 6 सीटें 8 में। और अब देख लेना 2 सीट बची है, 3 तारीख, 3 तारीख को ममता दीदी जा रही, अखिलेश जी जा रहे हैं, हम हूँ चाचा, ये दोनों खत्म। वही चिल्लाते रहे मोदी, दुनिया में 1 नंबर का झूठा अगर कोनो नेता है तो वो नेता का नाम है माननीय नरेंद्र मोदी। वो इतना झूठा नेता है कि अब क्या बताइए, कर बात तो बहुत सुन ले पाया, लेकिन आज इतने हैं कि हमारे 2 प्रत्याशी हैं, भाई राजेंद्र राम जी हैं और ये हमारे दारा सिंह चौहान। आया बतावा साइकिल को बटन दे के दबाई और बगल की सीट छड़ी लड़ा था मऊ सदर में। और भारतीय समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी जनवादी पार्टी के साथी वहां भी फोन करके बता देना, छड़ी पर वोट देकर के अब्बास अंसारी को विजयी बना देना साथियों। और इतना वोट देना, इतना वोट देना कि योगी बाबा का जो बुलडोजर है वो खाली मुसलमान पे चलाता है, वो पिछड़ों पे चलाता है, दलितों पे चलाता है। ये धमाकारी योगी बाबा घबराओ नहीं, तुमसे दुनिया डरे, मोदी तुमसे दुनिया डरे, लेकिन ओम प्रकाश राजभर सीना खोल करके मैं मुख्तार अंसारी के साथ रहता हूँ, सीना खोल करके हर मुख्तार के साथ रहता हूँ। उनके बेटे को चुनाव लड़ाया, हमारे पत्रकार भाई पूछ रहे थे क्यों लड़ा रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी के लोग ब्रिजेश सिंह को MLC बना सकते हैं तो ओम प्रकाश राजभर मुख्तार के बेटे अब्बास को भी MLA बना सकता हूँ। इस नाते मुसलमान भाइयों एक एक वोट चुन करके अब्बास को देना, ये मुख्तार अंसारी का आदेश है।